केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। दिल्ली से जब्त 5,600 करोड़ के ड्रग्स को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। कहा, कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता शर्मनाक है। नशे की अंधकार दुनिया में ले जाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस के इरादे पूरा नहीं होने देगी मोदी सरकार। नशा मुक्त भारत के लिए मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दिल्ली में बीते दिनों आपको याद होगा 5,600 करोड़ के ड्रग्स के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने, आप देखिए, एक्स के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक पदाधिकारी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाया गया है। मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है नशा मुक्त देश बनाने के लिए और उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से ही अपनाएगी। आप ये भी समझिए कि उन्होंने कांग्रेस पर कितना बड़ा प्रहार किया है ये कहकर कि कांग्रेस देश को, युवाओं को, भारतीयों को नशे के अंधकार में धकेलना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।